जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। दोस्त थैंक यू इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर कि मैथ्स का ऐसा सीरीज दीजिए हम लोग को जो चैप्टर वाइज हो और हम लोग को स्टार्टिंग से दीजिए, बेसिक से दीजिए हम लोग को कंप्लीट। तो आज मैं आप लोग को आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, पर डे आपको एक बेसिक चैप्टर मिलेंगे। आज मैं आपको स्टार्ट कर दे रहा हूँ नंबर सिस्टम से। नंबरिंग का एक बुक आपका चैप्टर मिल चुका है, आप जाके देख सकते हैं। नंबरिंग सिस्टम का आपको वीडियोज़ दो दो चैनल दो दो क्लासेस है। और आज मैं आपको दे रहा हूँ वर्गमूल और घनमूल। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है वर्गमूल और घनमूल को लेकर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कल भी देखे कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, पिछले वीडियोस में भी बहुत सारे कमेंट आने लगे कि सर मेरे को हम लोग को बेसिक्स क्वेश्चन क्लासेस चाहिए। और ये बेसिक्स क्लासेस जो है आप लोग को बहुत काम आने वाला है। आप लोग इस वीडियोज़ को पूरा अंत तक देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, खास करके कि एक एक छोटी छोटी चीज़ों को ए से लेकर जेड तक क्लियर कराया हूँ। जो बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि वर्गमूल और घनमूल को क्लियर नहीं कर पाते हैं, बहुत क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, तो उन लोगों के लिए ये क्वेश्चंस ये क्लासेस है। आप प्लीज यदि आप लोग को नॉलेज भी होगा तो भी देखेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक जोड़े हैं जो कहीं ना कहीं आपको नया लगेगा। कुछ नया तरीका है, कुछ नई भाषा में आपको दिया गया है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको पता होगा मैं मुकेश सर आप लोग को मैथ पढ़ाने का जरिया और जो नज़रिया है वो चेंज कर दूंगा। और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पता होगा तो पता ही होगा, नहीं तो आपको मैं बता दूं कि मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत स्लो है। लेकिन जब भी मैं देता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मेरे 100 बच्चे अगर वीडियोस देखते तो 100 के 100 बच्चों को फ़ायदा मिले, है ना। तो आज मैं आपको बताता हूं वर्गमूल और घनमूल। बच्चे वर्गमूल बेसिकली है क्या, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर और क्यूब, है ना, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट के बारे में बात करूं वर्गमूल, तो वैसी संख्या जो अपने से खुद मल्टीपल हो जाए, अपने से खुद मल्टीपल होके वो संख्या प्राप्त हो, ठीक है। वैसी संख्या जो अपने से खुद मल्टीपल होके वो संख्या प्राप्त हो, उसी को हम लोग कहते हैं वर्गमूल, ठीक है। घनमूल वैसी संख्या जो अपने को तीन बार गुना करने पर वो संख्या प्राप्त हो जाए, अपने को तीन बार गुना करके वो संख्या प्राप्त कर जाए। मतलब यदि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स को करेंगे तो अगर ये आ जाएगा मेरे ख्याल से ये है, तो अगर हम लोग पता है कि एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे, क्यों? आपको एक चीज़ मैं आपको पहले बोला था कि कोई भी संख्या को अगर हम मल्टीपल कहते हैं तो इसकी पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। मतलब एक्स का पावर एम गुने एक्स का पावर एन इक्वल टू क्या होगा बच्चे? तो हम लोग को पता होगा कि ये संख्या और ये हमारा जो बेस जिसको कहते हैं ये बेस इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? इक्वल होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए, है ना। बराबर मतलब क्या? यहाँ पे x और यहाँ पे y नहीं होना चाहिए। अगर x और x है या y है तो इसमें क्या हो करेंगे, इस केस में क्या होगा कि पावर जो होगा वो ऐड हो जाएगा, मतलब x का पावर x m प्लस n, बच्चे ये आंसर होगा है। अभी मैंने क्या बोला कि x का पावर गुने x इक्वल टू हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर। क्यों लिखे? तो इसके पावर में किसी भी संख्या का पावर में कुछ नहीं होता तो एक होता है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो वन है। यदि वन और वन है तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल होगा, क्योंकि बेस दोनों का क्या है, इक्वल है। दोनों का बेस यदि इक्वल है तो मल्टीपल में क्या होगा, ऊपर का पावर ऐड हो जाएगा और क्या होगा, ये एक और एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर किया। हाँ अभी मैं बता देता हूँ कि अगर तीन बार भी मैं गुना करूँगा एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चे, तो इसके पावर में वन वन और वन कुछ नहीं। तो हमने क्या बोला कि बेस इक्वल होना चाहिए, यदि बेस इक्वल है तो क्या होगा, ये इक्वल रहेगा लेकिन ये पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, मतलब एक एक दो और एक तीन, मतलब एक्स का पावर क्यूब, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और पहले क्या करेंगे हम लोग, ए बी सी डी से चलेंगे, स्टार्टिंग से चलेंगे, हाँ जो समझाएंगे आपको। अभी मैंने क्या बोला कि अगर बेस सेम रहा तो पावर ऐड हो जाएगा, लेकिन यदि डिवाइडेड में हो एक्स का पावर एम और डिवाइडेड में एक्स का पावर एन, मतलब बेस यदि सेम हो और यदि डिवाइडेड में हो, तो इस केस में क्या करेंगे बच्चे, घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। जैसे यहाँ पे देखो गुना जैसा नहीं लग रहा है, गुना को हम जोड़ जैसा कर सकते हैं ना, इसको अगर उल्टा करेंगे तो दो लाइनिंग, मतलब गुना में क्या होगा, ये जुड़ेगा, देखो पहचानने का तरीका। और भागा में एक लाइन मतलब माइनस, मतलब क्या होगा, माइनस होगा। एक चीज़ देखो, तरीका समझेंगे, कभी भी कोई चीज़ का तरीका समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं है, नॉलेज होने के बावजूद भी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यार इसमें जोड़ना था कि घटाना था। लेकिन ऐसे कंफ्यूजन में आप क्या करेंगे, गलती कर बैठेंगे। क्वेश्चंस आएंगे आसान होंगे, लेकिन क्या होगा कि आप बेस को घटा देंगे, पावर को घटा देंगे, जोड़ देंगे, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाएगा। यदि एक भी बेस का पावर अगर लॉस कर दिए या आपको ऐड कर दिए तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू जो होगी वो डिटरमाइन नहीं कर पाएगी। हां अभी मैंने बोला कि इसको पहचानने का नियम, तो भागा में क्या होगा बच्चे, तो एक्स का पावर एम माइनस एन, मतलब
फिगर्स का वैल्यू आएगा। हाँ, जैसे x का पावर 7 डिवाइडेड बाय x का पावर 2, मैंने क्या बोला, x बेस दोनों का सेम होना चाहिए। यदि सेम होगा तो पावर क्या होगा, तो घट जाएगा, 7 माइनस 2, दैट्स मीन्स x का पावर 7 में 2 जाएगा तो 5। बच्चे इस तरीके से हम लोग को बेस कंप्लीट करना पड़ेगा। अब मैं आपको बात करता हूँ आगे पॉइंट को, और ठीक है, अभी मैंने अभी स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। अब हम लोग चलते हैं कि यदि ए एक्स का पावर 5 इंटू बी एक्स का पावर 7। हाँ बच्चे, अभी मैंने क्या बोला इस तरीके से, यदि यहाँ हम 5 नहीं लेते हैं, अगर अभी स्टार्टिंग में m लेते हैं फॉर्मूलाज में, तो क्या होगा, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये गुना में है, तो ये भी आपस में क्या होगा, गुना होगा, है ना बच्चे, मतलब a गुने बी ये हमारा होगा, और बेस दोनों का सेम है देखेंगे बच्चे, तो बेस तो सेम रखेगा लेकिन गुना में क्या होगा, हम लोग जानेंगे, इसको जोड़ देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो m प्लस एन, मतलब मेरा ये फॉर्मूला हो गया। हाँ बच्चे, इस क्वेश्चंस का, इस टाइप के फॉर्मूलाज में आपको क्या करना, देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल में क्या बोला कि यदि 2x का पावर 7 गुने 5x का पावर 3, तो अभी मैंने क्या बोला कि ये समझ जाइए, ये है ना ये, और ये हमारा b है, मतलब 5 है ना, ए के जगह 2 हो जाएगा, बी के जगह 5 हो जाएगा, तो ए गुने बी मतलब 2 गुने 5, है ना बच्चे, और एक्स का बेस दोनों सेम है, तो एक्स का पावर सेम एक्स, एम प्लस एन, एम का 7 और एन 3, तो 7 प्लस 3, है ना। अब देखेंगे कि 2 5 जगह कितना होगा, 10 होगा, एक्स का वैल्यू 7 और 3 कितना जगह 10 हो जाएगा, मतलब 10x का पावर 10 का वैल्यू हमारा फाइंड निकल के आएगा ये वाला फॉर्मूला से, मैंने एग्जांपल दे दिया। हाँ, अब भी अगर हम लोग चलते हैं डिवाइडेड की ओर, ये हमारा मल्टीपल सेशन था, यदि हम डिवाइडेड की सेशन में चलें, तो डिवाइडेड के सेशन में क्या हो सकता है आप देखेंगे, डिवाइडेड के सेशन में यदि ए एक्स का पावर एम डिवाइडेड बी एक्स का पावर एन, तो ऐसे फॉर्मूलाज में कैसे होगा देखेंगे, तो क्या होगा, ए डिवाइडेड बी, है ना बच्चे, अब क्या होगा, एक्स मैंने क्या बोला डिवाइडेड में, यहाँ भागा भी दिख देंगे, लाइनिंग दिख रहा है, और एक्स का बेस दोनों का सेम रहेगा, तो क्या होगा, एम माइनस एन। एग्जाम्पल देते हैं बच्चे, एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे 8x का पावर 9 इंटू 2x का पावर 7। हाँ बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, तो हमने क्या बोला, ए की जगह कितना बच्चे देखेंगे, ए की जगह 8 और बी की जगह 2 है, मतलब क्या होगा, 8 डिवाइडेड 2, है ना बच्चे। अब यहाँ पे आएगा एक्स, एम के जगह कितना है 9, माइनस एन के जगह कितना है 7 बच्चे, देखेंगे एम के जगह कितना है 9 है, एन के जगह 7 है। अब देखेंगे 8 में अगर 2 जाएगा बच्चे, डिवाइडेड करेंगे तो 4 आएगा, एक्स का वैल्यू सेम रहेगा, 9 में 7 जगह 2 आएगा, इसका आंसर 4x का पावर स्क्वायर, राइट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से आसान भाषा में सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा बेस था, जो हमारा बेस कंप्लीट करना था। अब हमने क्या बोला कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या होता है, मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट इसे कहते हैं जो आपस में गुना करके वो संख्या प्राप्त हो जाए, मतलब अगर मैं बोलूँगा कि यदि 4 का बताइए, रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, ऐसी संख्या जो आपस में खुद को गुना करे और वो संख्या मिल जाए, मतलब यदि हम लोग 3 से गुना 3 को करेंगे, मतलब देखिए खुद से खुद को गुना करेगा तो इक्वल इक्वल आ जाना चाहिए, क्या इक्वल है क्या, नहीं ना, गलत है, ये नहीं हो सकता। लेकिन यदि हम लोग 2 करेंगे, 2 को 2 से खुद गुना करेगा, 2 अपने से ही इक्वल ही होगा, तो 2 दुना 4 देखिए ये होगा, तो मतलब क्या होगा, स्क्वायर 4 का क्या होगा, रूट अंडर, तो 2 आंसर होगा, समझे कि नहीं। ऐसी ऐसी संख्या जो खुद को गुना करे और आपस में, अब आपस में क्या बोला, वैसी संख्या जो आपस में खुद गुना करके वो संख्या प्राप्त हो जाए, मतलब उसे स्क्वायर रूट कहते हैं। अब हमने क्या एग्जांपल दे दिया, अभी अभी फिर मैं आपको बताता हूं कि जैसे एग्जांपल सपोज करिए कि क्यूब रूट, क्यूब रूट मैंने क्या बोला कि आपस में 3 बार गुना करे, ऐसी संख्या जो आपस में 3 बार गुना होकर वो संख्या प्राप्त हो जाए, मतलब क्या देखिएगा, यदि 8 होगा यहाँ पे बच्चे, तो एक चीज़ गौर करेंगे, 8 का क्या देखेंगे, अगर 2 को लेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, मतलब आपस में 3 बार गुना होने पर वो संख्या प्राप्त हो जाए, 2 दुना 4 4 दुना 8, आ गया कि नहीं, मतलब 8 का क्यूब रूट क्या होगा बच्चे, तो क्यूब रूट देखेंगे, अगर वर्गमूल का, अगर स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट का होता है ये पहचानने का नियम, और क्यूब रूट का क्या होता है बच्चे, ये होता है फॉर्मूला नियम, देखेंगे क्यूब रूट का निशान जो हमारा होता है, जो हमारा जो डिनोटेड ये होता है, और वर्गमूल का ये होता है, मतलब यदि किसी संख्या का 8 का अगर वर्गमूल निकालना हो, तो उसको अगर हम लोग इस तरह का तोड़ देंगे ये वाला को, तो 1/3 लिख सकते हैं बच्चे, ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग स्क्वायर को सिर्फ तोड़ेंगे ये, तो हम लोग लिख सकते हैं 8 का पावर 1/2, मतलब स्क्वायर का वैल्यू 1/2 होता है, क्यूब रूट का वैल्यू 1/3 होता है, ध्यान रखेंगे कभी भी आप लोग को बहुत काम आने वाला है। अभी मैंने क्या बोला कि स्क्वायर का वैल्यू 1/2 होता है और क्यूब रूट का 1/3 होता है, मतलब अगर कोई पूछ दिया जाए कि बताइए 9 का स्क्वायर रूट 9 का क्या होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 का पावर 1/2,
टू। ठीक है बच्चे, अगर बोल दिया जाए कि 27 का क्यूब रूट क्या होगा, तो क्या लिख सकते हैं, 27 का पावर 1/3, ये क्यूब रूट का फॉर्मूला होता है, जिसको हम घनमूल कहते हैं, वर्गमूल को स्क्वायर कहते हैं, है ना। ये सारी बेस था जो हमने अभी सीखा। अभी देखेंगे एक चीज कि ऐसे क्वेश्चंस को अगर इस तरीके से रहेगा तो हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे आदि इस तरीके से रहेगा कि एक्स एन और पावर एन रहेगा बच्चे, ऐसे रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बच्चे, तो एक्स का पावर 1/n है ना इंटू एन। अब यहां देखेंगे एक्स का पावर 1/n इंटू एन, गुना हो जाएगा, अब एन से एन कट जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स का पावर 1 इक्वल टू एक्स, ए वैल्यू आ जाएगा। आदि क्वेश्चन आ गया कि 9 क्यूब रूट का पावर 3 है, तो ऐसे में क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग 9 आंसर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये से ये कट जाएगा ना बच्चे, समझे ना, तो ये 9 आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। आदि मैं पूछूंगा कि क्यूब 5 का पावर 1/3, तो क्या लिख सकते हैं बच्चे, तो ये से 3 कट जाएगा, आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्यूब रूट का फॉर्मूला होता है, ये क्यूब रूट हम लोग निकालने का तरीका है। ठीक है, अगर इस तरीका से क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग देखेंगे, अरे इस तरीका से फॉर्मूला रहा कि एन एक्स इंटू एन वाई का पावर 1/n, ठीक है बच्चे, ऐसे फॉर्मूला रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आपस में एक दूसरे से मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम प्रोडक्ट है, तो x इंटू वाई लिख सकते हैं, पावर n इस तरीके से लिख सकते हैं n, है ना। अब इसको लिख सकते हैं x का पावर y इंटू 1/n इंटू n, है ना। अब हम लोग क्या सकते हैं, x का पावर y और n से n कट गया, x का पावर y सिर्फ वैल्यू हो जाएगा फाइनल, क्योंकि कटता है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, काटने का तरीका सीखेंगे, किसे पावर कटती है, एक चीज़ हम लोग भी देखेंगे। देखो बच्चे, अगर x का पावर a इसका पावर b होगा, हाँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा जिसे x का पावर m इसका पावर n हो, तो ये दोनों गुना हो जाता है, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, x का पावर m गुने n, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि यदि x का पावर a रहेगा इसका पावर b रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं, x का पावर a इंटू बी, हाँ। जैसे सपोज करिए x का पावर 5 पर इसका पावर 2 रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं, x का पावर 5 गुने 2, मतलब x का पावर 10, ठीक है बच्चे। अगर इस तरीका से रहेगा कि x का पावर 5 x 1/x का पावर n और इंटू n, तो क्या लिख सकते हैं बच्चे, n से n कट जाएगा, क्या बचेगा, x का पावर 1, ठीक है, ऐसे रहेगा। अगर x का पावर 1/7 है और इसका पावर 7 हो, तो 7 से 7 कट जाएगा, x का सिर्फ वैल्यू 1x ही रह जाएगा। मतलब किसी भी संख्या का पावर x हो, 1 हो, यदि 1000 का भी पावर 1 हो, तो इसका वैल्यू एक वही संख्या होगा जो संख्या है। यदि किसी संख्या का पावर 0 हो, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, चाहे वो कितनी बड़ी अरबों खरबों या इन्फिनाइट का पावर 0 हो, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा वर्गमूल और घनमूल, ठीक है, आपने में देखा। अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे निकाला जाए, यदि हम लोग को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर हम लोग को घनमूल निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, एक चीज़ पहला शॉर्ट तरीका बताते हैं। शॉर्ट तरीका यदि हम लोग देखते हैं, फ्रिक्शन रूल, वर्गमूल निकालने का सबसे पहला तरीका है फ्रिक्शन रूल। कैसे फ्रिक्शन रूल फाइंड करेंगे, देखेंगे। यदि हम लोग निकालना हो, सपोज करिए 100 का, ठीक है बच्चे, तो 100 का क्या करेंगे, पहले फ्रिक्शन तोड़ेंगे, 2 से 50 बार में टूटेगा बच्चे, फिर 2 से 25 बार में टूटेगा बच्चे, ठीक है, फिर 5 से 5 बार में कटेगा बच्चे, फिर 5 एकम 5, ठीक है। मतलब क्या आएगा, 2 × 2 × 5 × 5, है ना, इतना ही आया ना, 1 का तो वैल्यू दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर वर्गमूल निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, तो इसका 2 हम लोग जोड़ा निकालेंगे, 2-2 करके जोड़ा करेंगे, 2 और 2, और क्यूब रूट में 3-3 जोड़ा निकालेंगे, ठीक है। तो 2-2 जोड़ा तो 2 निकल गया यहाँ पे, 2 और ये 5 निकला, 2 का 1 लिखेंगे, 5 × 2 = 10। देखिए तो बताइए, 100 का क्यूब रूट क्या 10 होता है, स्क्वायर रूट। देखिए तरीका पहले से जान जाइए, यदि हम लोग निकालेंगे, ठीक है बच्चे, 25 का, तो देखेंगे 5 को अगर 5 डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, है ना, तो कितना आ गया, 5 × 5, मतलब क्या बोले, अगर 2 का स्क्वायर है तो 5 1 लिखेंगे सिर्फ आंसर। तो देखिए 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है कि नहीं, तो ऐसे तरीके को पहले जानेंगे। अच्छा, आप बड़ी संख्या को लेते हैं, अगर हम लोग बड़ी संख्या को फाइंड करना हो, जैसे कि यदि 625 को फाइंड करना हो, 625 को फाइंड करना हो, तो 5 को करेंगे 125 आएगा बच्चे, फिर 5 से करेंगे फिर यहाँ 25 आएगा बच्चे, फिर 5 से करेंगे यहाँ 5 आएगा बच्चे, फिर 5 से आएंगे 5 आएगा, मतलब कितना गया 5, मतलब 5 × 5 × 5 × 5, 4 बार है, जोड़ा करेंगे 5, यहाँ भी जोड़ा करेंगे 5, 5 5 कितना गया 25, आंसर आ गया,
देखिए इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका है, यदि क्यूब रूट का जाके जिक्र हो, यदि क्यूब रूट का जिक्र होगा तो स्टार्टिंग से क्या करेंगे, क्यूब रूट का जैसे 8 का अगर क्यूब रूट निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 4 बार में आएगा, 2 2 बार में आ गया, 2 1 बार में, मतलब कितना गया, 2 × 2 × 2। क्यूब रूट में 3 को जोड़ा लगाएंगे, 3 को जोड़ा लगाएंगे मतलब कितना होगा, 3 को, तो सिर्फ इसका 2 आंसर होगा। स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ा लगाएंगे और क्यूब रूट में 3 का जोड़ा लगाएंगे तो ही हमारा घनमूल और वर्गमूल फाइंड हो सकता है। ठीक है, ये हमारा तरीका है। अब आगे चलते हैं, बड़ा संख्या लेते हैं। यदि हम लोग बड़ा संख्या ले लेते हैं बच्चे, अगर 3 अगर 27 का बात करें, अगर 27 का अगर घनमूल निकालना हो तो 27 को 3 9 बार में, 3 बार में, 3 × 3 मतलब 3 × 3 × 3 तीन को अगर बोले ना कि घनमूल में 3 जोड़ा लगाएंगे मतलब 3 × 3 आंसर राइट होगा, 3 राइट होगा, है ना बच्चे। ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट में 3 का जोड़ा लगाएंगे और स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ा लगाएंगे। अगला पॉइंट चलते हैं जो हम लोग बेसिक को जानना है, ये तरीका हो गया निकालने का। अगला तरीका क्या होता है अब मैं बता देता हूं। अगला तरीका हम लोग स्क्वायर रूट का अगर फाइंड करना हो, जैसे हम लोग 625 का निकालना हो, 625 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट 25 का अगर हम जिक्र करें 625 को कैसे फाइंड करेंगे, तो 625 का देखेंगे जो दूसरा नियम है, सेकेंड मेथड को कैसे करेंगे, सेकेंड मेथड को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सेकेंड मेथड को क्या करेंगे, पहला जोड़ा बनाएंगे। जैसे अगर हम लोग जितना से गुना करेंगे उतना ही से हम लोग डिवाइड भी करना पड़ेगा, उतना ही मल्टीपल और इतना जोड़ना पड़ेगा। जैसे अधिक लोग 6 का लेते हैं तो 6 को क्या करना पड़ेगा बच्चे, 2 लिख सकते हैं, मतलब अगर जो भी गुना जितना भी संख्या लेंगे उतना संख्या से गुना भी करना पड़ेगा। यदि अगर हम लोग यहाँ x ले रहे हैं तो x से ही गुना करना पड़ेगा, यदि y ले रहे हैं तो y से ही गुना करना पड़ेगा और इसके इक्वल आना चाहिए। देखिए जोड़ा पहले लगाएंगे, पहला संख्या एक जोड़ा लगता है, इसके बाद दूसरा संख्या जोड़ा लगता है, दो दो संख्या जोड़ा लगते जाता है। ठीक है, यदि 625 का एक जोड़ा लगा लिए फिर दूसरा अगला दो जोड़ा लगाएंगे, यदि एक संख्या कट रहा है ठीक है नहीं से कट रहा है तो आगे चलेंगे। अब देखेंगे 2 से, अगर 3 को 3 से गुना करेंगे 3 × 3 = 9 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन 2 से 2 लेते 2 दूना क्या आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 बार में, लेकिन यहाँ क्या करेंगे जोड़ देंगे, 2 और 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 4। अब घटाएंगे देखेंगे तो 2 6 में 2 जाएगा तो 4 बचेगा और ये तो नोट कर देंगे, ठीक है डाउनलोड कर देंगे पूरा। अब यहाँ पे जो भी संख्या रखेंगे वो संख्या से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, समझे, जो संख्या को यहाँ पे लेंगे वही संख्या से गुना करना पड़ेगा और वही संख्या यहाँ उतरेगी, मतलब ऐसी संख्या जो इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए तो 1 से गुना करेंगे कितना आएगा तो 41 ही आएगा, 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 84 आएगा, 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 129 आएगा, 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 416 बाकी में 16 17 176 आ रहा है। अगर 5 से गुना करते हैं रख के तो 5 × 5 = 25 20 + 24 आ गया कि नहीं, सॉरी 2 × 2 = 22 225 आ गया, मतलब अगर 5 से गुना करेंगे कितना गया 225, मतलब ये कट गया पूरा 0, यहाँ पे 5 उतरेगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना जाएगा 50 आएगा, जोड़ेंगे तो 50 आएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना गया 25, मतलब यदि 625 का वर्गमूल निकालना हो तो इसका वैल्यू कितना आएगा 25 आएगा, है ना बच्चे, समझ में आया किस तरीके से फाइंड किए। अब अगला पॉइंट चलते हैं, इसी तरीके से एक और हम सॉल्व करके दिखा देते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। जैसे सपोज करिए 144, हाँ 144 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालता है कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या बोले, पहला एक जोड़ा लगता है दूसरा जोड़ा लगता है, ठीक है एक जोड़ा पहले लगाएंगे हम लोग, क्या बोले जो भी संख्या यहाँ लेंगे उतना ही संख्या से गुना होगी वही संख्या यहाँ उतरेगी, मतलब एक को कितना गुना करेंगे जो एक आएगा, तो एक से गुना करेंगे, एक को एक से गुना करेंगे कितना आएगा बच्चे तो एक आएगा, है ना, लेकिन एक और एक कितना जाएगा जोड़ देंगे तो दो आएगा, लेकिन यहाँ पे घट जाएगा तो कितना बचेगा 0 और यहाँ पे 44 बचेगा, है ना बच्चे, यहाँ पे क्योंकि माइनस होता है ये संख्या। अब यहाँ पे देखेंगे कि दो संख्या यहाँ पे आया, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या उतारेंगे जो इसके बराबर आना चाहिए, तो दो को दो से गुना करेंगे देखिए 44 आएगा कि नहीं, ये कट गया कि नहीं, मतलब इसका वैल्यू कितना गया 12, मतलब वर्गमूल कितना हो गया 12, 12 फार्मूला कैसे 144 का वर्गमूल कितना होगा स्क्वायर रूट 12 होगा। अगला इसी तरीके से हम फाइंड करके दिखा देते हैं, बड़ी संख्या लेके चलते हैं, बड़ी संख्या को लेके चल देते हैं, समझ आइए कि कौन सी संख्या 729 का लेके चलते हैं, ठीक है बच्चे 729 का। अब क्या करेंगे देखेंगे, पहले क्या बोले, पहला प्रथम एक जोड़ा लगता है दूसरा जोड़ा लगेगा, ठीक है अब हम लोग पहला जोड़ा लेके चलेंगे तो कैसे लेके चलेंगे देखेंगे, यदि हम लोग यहाँ पे 3 से लेते तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, लेकिन 2 से अगर लेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा बच्चे, ठीक है अब यहाँ पे 4 यहाँ माइनस करेंगे 7 में 4 जाएगा तो 3 × 2 = 29 आएगा, यहाँ पे कितना होगा 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसी संख्या उतरेगी जो संख्या इसके बराबर आएगा, जो संख्या यहाँ उतारेंगे उसी संख्या से गुना भी होगा, मतलब कौन सी संख्या से गुना करेंगे तो 7 से गुना करके देखिए 7 × 7 = 49 बाकी अंत में 4 × 7 = 28 = 32 देखिए बच्चे यहाँ पे आ गया कट गया 0 माइनस करेंगे 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे 27 उतरेगा, मतलब 27 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 729 का स्क्वायर रूट 27 होगा, 27 को अगर 27 से गुना करेंगे तो 729 आ जाएगा। ये हमारा स्क्वायर रूट फाइंड करने का था, ठीक है बच्चे। अब मैं आपको बता रहा हूं आपका क्यूब रूट भी निकालने का तरीका बता दिया, अब किसी तरीके से क्वेश्चन अगर आ भी जाए,
यदि कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछ भी दिया जाए, जैसे कल ही मैं बोला था कि यदि 2 का पावर n हो और √32 दिया हो, ठीक है, 2 का पावर n हो और √32 दिया हो, तो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, हम लोग बार बार देखेंगे। कल भी सॉल्व करके दिखाए थे, तो उस टाइम बच्चे को नॉलेज नहीं हुआ होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं नॉलेज होगा। हम लोग क्या बोले कि x का पावर, हम लोग को पता है कि रूट का पावर क्या होता है, 1/2 होता है, पता है कि नहीं, किसी भी रूट का पावर। तो 2 का पावर n और 32 को लिख सकते हैं 1/2, पावर 1/2, क्योंकि हम लोग रूट तोड़ देंगे, हटाएंगे, तो पावर 1/2 ऐड होगा। अब हम लोग देखेंगे 32 को लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं, फ्रिक्शन करेंगे तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 16 आएगा, 2 8 आएगा, 2 4 आएगा, 2 2 आएगा, 2 1 2, मतलब 2 का पावर 1 2 3 4 5 5, 2 का पावर 5 को हमको क्या देगा, 32 देगा, 32 देगा। तो 2 का पावर n इक्वल टू 2 का पावर 5 और इसका पावर 1/2। मैंने क्या बोला कि यदि पावर में पावर हो तो ये मल्टीपल होगा। अभी क्या बोला मैंने, x का पावर m और इसका पावर n हो तो x का पावर m इंटू n हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का पावर n इक्वल टू 2 और 5 को 1/2 से गुना करेंगे तो 5 का पावर 1/2 होगा। अब 2 से 2 फ्रिक्शन सेम संख्या मिल गया, कट गया केवल, तो n का वैल्यू कितना होगा, 5/2 होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ही हमारे पास आंसर आ पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेके, ठीक है। अब देखेंगे इसी पॉइंट को अगर हम लोग फाइंड करना हो तो किस तरीका से फाइंड करेंगे, ये तरीका जानेंगे। हमको आपको तरीका बता रहे हैं, तरीका समझ आइए, बस आप समझिए। अगर अब इस तरीका से दे दिया जाए, अगर 9/4 का वर्गमूल निकालिए तो कैसे करेंगे, तो हम लोग को पता होगा 9/4, 9 का वर्गमूल क्या होगा और 4 का वर्गमूल क्या होगा, ये हम लोग क्वेश्चंस है। देखिए 9 को लिख सकते हैं, मैं बोला ऐसी संख्या जो आपस में गुना करके वो संख्या मिल जाए, मतलब 3 × 3 और 4 को 2 × 2, है ना। आप लिख सकते हैं, देखो अब जब आएगा तो कट जाएगा स्क्वायर, 3 का पावर स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर का पूरा स्क्वायर, 3/2 आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से 27/8, अगर वहां पे ये स्क्वायर रूट था, अगर ये घनमूल पूछ दे, अगर क्यूब रूट पूछ दे तो क्या होगा, तो 27 का क्यूब रूट क्या निकाल सकते हैं, तो 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। यदि 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, मतलब 3 का पावर 3 और 2 का पावर 3। अब यहाँ पे क्या था, क्यूब रूट था, है ना बच्चे, क्यूब रूट था कि नहीं। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो क्या होगा, तो क्यूब रूट से क्यूब कटेगा, क्यूब से क्यूब कंप्लीट हो जाएगा, 3/2, इसका भी आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, जो बहुत आसान लगने लगेगा। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का यही रूलर, यही फंडा है जो हम लोग को फाइंड करने आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता होगा। जैसे यदि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए बच्चे आपके पास, अगर आपके पास पूछ देता है कभी कभार कि बताइए क्यूब रूट, बताइए हमको 3 9 का पावर 1/27, मतलब इसका पावर 27, क्यूब रूट है इसका पावर 27, तो क्या लिख सकते हैं बच्चे। तो हम लोग एक चीज जानेंगे कि 9 का पावर 1/3 होगा क्यूब रूट का, और इसका इंटू 27, मतलब 9 का पावर 1/3 इंटू क्या बोले, पावर में एडी मल्टीपल हो जाएगा तो 27, इसको बार में कट जाएगा, 9 × 9 = 27, 9 का पावर 9 आएगा आंसर। एक चीज देखेंगे, 9 का पावर 9 आंसर होगा, जितना भी हम लोग गुना करेंगे उतनी संख्या, 9 को 9 से मल्टीपल करना पड़ेगा तो जाके मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा, क्लियर है। तो इस तरीके क्या होगा कि 9 का पावर 9 आंसर लिख सकते हैं। इस तरीके से जब तक हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है। सपोज करिए स्क्वायर रूट अगर दे दिया जाए कि अगर बताइए हमको कि 12 का स्क्वायर रूट बताइए जिसका पावर में 12 दिया हो, जिसका पावर में 12 दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे इस टाइप में, तो इस टाइप में क्या लिख सकते हैं, 12 का पावर 1/2 और इसका पावर क्या हो जाएगा बच्चे 12, क्योंकि स्क्वायर का पावर क्या होगा 1/2 हो जाएगा, है ना। अभी मैंने क्या बोला, स्क्वायर का पावर क्या होगा बच्चे, सॉरी रूट का पावर क्या होगा बच्चे, तो रूट का पावर 1/2 होता है और रूट क्यूब का क्या होता है बताए, 1/3 होता है ना, इस तरीके से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 12 होगा, सॉरी अब हम लोग क्या होते हैं कि बोले पावर में जो होता है आपस में मल्टीपल हो जाएगा, मतलब 12 का पावर 1/2 × 12, 2 से 6 बार में कटेगा, 12 का वैल्यू ऊपर, पावर 6 आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो लोगों के पास पहुंच सके, और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार रहें, अगला दिन अगला समय नया टॉपिक लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।